गाजर का हलवा बिना ग्रेट किए बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आज आपको प्रेशर कुकर से बनाकर दिखा रही हूँ। पंपास रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और देखिए यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरह से कट करके इसे ड्राई रोस्ट करने लगी हूँ। जैसे ही मैं इसे रोस्ट करना शुरू करूँगी धीरे धीरे गाजर की अपनी जो मॉइस्चर होता है वो छोड़ना शुरू करता है और आप देखते जाइए धीरे धीरे काफ़ी मॉइस्चर इसमें से निकल जाएगी और इसी मॉइस्चर में ही मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। बिल्कुल पानी इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर गाजर थोड़ी सी ड्राई क्वालिटी की हो तो आपको यहाँ पर इतने मैंने यहाँ पर 1 किलो की गाजर ली है तो उसमें बिल्कुल आपको 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और देखिए इतना सारा मॉइस्चर रिलीज हो गया है। और मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगा लिया था प्रेशर कुक करके और ये बहुत अच्छे से उबल गई है। अगर गाजर थोड़ी सी हार्ड क्वालिटी की हो तो आप इसे 1 और सीटी लगा सकते हैं। मैंने घर में कुछ 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से चला चला के गाढ़ा कर लिया था और करके यहाँ पर 250 ml तक ही रख लिया था। उतने ही मिल्क को अब मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और अब इसे अच्छी तरह से मुझे पकाते रहना है। और हम गाजर को बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, ये अपने आप ही देखिए इस तरह से टूटना शुरू हो जाता है। ज़्यादा हम इसे मैश नहीं करेंगे ताकि इसकी स्वाद ग्रेट किया हुआ जैसे ही लगे, क्योंकि ज़्यादातर हम घर में जब भी बनाते हैं तो हम ग्रेट करके ही बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 शुगर ऐड किया है, मतलब अगर 3 कप गाजर है तो मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है और इसे बहुत चलाऊंगी और जब मैं इसे चलाना शुरू करूंगी तो ये और भी ड्राई हो जाएगी। इस पे मैं 4 इलायची को कूट कर डाली हूँ ताकि इसकी फ्लेवर इलायची वाली आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब अलग जगह पर एक तड़का पैन लेते हैं और तड़का पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप अगर चाहें तो और भी ज़्यादा घी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी डाला है। और अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ आमंड और काजू को काट कर रख लिया था, उसे मैं डाल रही हूँ। और मैं किशमिश भी ऐड करूँगी पर किशमिश मैं बाद में ऐड करूँगी ताकि अगर वो किशमिश बर्न हो जाती है तो उसकी स्वाद खराब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मैं पहले इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से हमें चला चला के रोस्ट करना है और जैसे थोड़ी सी इसकी कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश कलर आ जाए, तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और किशमिश को ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से इसकी कलर चेंज होने लगी है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब मैं किशमिश को डाली हूँ और फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और इसे मैं अब गाजर के हलवा में डालूंगी और इसे ऐड करके इसे अच्छी तरह से चला दूंगी और इसे कुछ देर के लिए थोड़ी देर और पकानी है। और इसके साथ ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है। और मैंने घर में कुछ खोआ तैयार किया था। घर में खोआ बनाने की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और देखिए इसे मैं चम्मच से धीरे धीरे निकाल कर इसे यहाँ पर ऊपर से इसे स्प्रेड करूँगी। अगर आप बाहर से खोआ लेते हैं तो वो टाइट होती है और उसे आपको ग्रेट करना होता है एंड वो बहुत हेल्दी नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें घर में ही बनाकर इस तरह की गाजर की हलवा बनाती हूँ और आप भी इस तरह की गाजर की हलवा घर में बनाने की कोशिश करें। सर्दियों में बहुत ही फ्रेश एंड डिलेक्टेबल डेजर्ट रेसिपी है ये। आप देखिए इस तरह की रेसिपी अगर बनाकर पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। होप टू कैच यू इन माई अपकमिंग रेसिपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।